हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल रसोई का जादू को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट और नए वीडियोस जल्द से जल्द पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन रसोई का जादू में। आज मैं आप लोगों के लिए करेले की भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपका करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भुजिया बनाने के लिए मैंने आधा किलो करेला लिया है। इसे अच्छी तरह से धो करके गोल शेप में देखिए काट लिया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब उसमें हम डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल में करेला अच्छा बनता है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब आधा चम्मच हम सरसों डालेंगे, काला वाला सरसों, और तड़कने देंगे। सरसों हमारा तड़क गया है। अब करेले को हम तेल के अंदर डाल देंगे आराम से, और इसे हम अच्छी तरह से चला देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हम मीडियम आंच पर पकने देंगे। करेला पकने में थोड़ा टाइम लगता है। करेले को हम ढक करके पकाएंगे। अब हम करेले को चला देते हैं ताकि तली में लगे ना करेला हमारा। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा। अब फिर से हम ढक देंगे करेला को थोड़ी देर बाद। इसे हम फिर से चलाएंगे। अब हम करेला को चेक कर लेते हैं। देखिए करेला हमारा आधा पक गया है। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये दो बड़े साइज का प्याज है जिसे हमने लंबे टुकड़ों में काट रखा है। अगर आप प्याज को करेले के साथ डालेंगे तो प्याज जल जाएगा सब्जी तैयार होते होते। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके पकने देंगे। देखिए हम फिर से चेक कर लेते हैं। अब इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से कि प्याज करेला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। प्याज को हमेशा बाद में ही डालें करेले में। इसे हम ढक देंगे फिर से और पकने देंगे। मैंने पहले ही कहा था करेला पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज का भी हमारा कलर चेंज हो गया, करेले का भी कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अरे ये कश्मीरी लाल मिर्च है, मैंने तीखा वाला मिर्च इसमें नहीं डाला है। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अगर इस तरह से बनाएंगे करेला तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। करेला हमारा पक गया है। अब इसे हम ढकेंगे नहीं, इसे हम ऐसे ही तेज आंच पर चलाते हुए पकाएंगे। चलाएंगे नहीं तो करेला हमारे नीचे से जल जाएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है। अब इसमें हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे करेले तो आपका करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। देखिए करेला हमारा बनके तैयार है। आप इस करेले को रोटी के साथ या दाल चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसे हम सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी करेले की भुजिया की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।